गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सॉल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए बी सी पार्टनर है, रेशियो 3:1, 31 मार्च 2019 उनका बैलेंस शीट दिया। ये देखिए बैंक बैलेंस है, स्टॉक एसेट्स हो गया, डेटर एसेट्स ग्रॉस लेंगे, प्रोविजन बाई में लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स हुआ। लाइबिलिटी में देखिए क्रेडिटर और बिल्स पेबल एक्सटर्नल लोन है, लाइबिलिटी है। एज लोन ए पार्टनर्स है, इसका सेपरेट ट्रीटमेंट करेंगे। ये तीनों का कैपिटल दिया हुआ, ये पास्ट प्रॉफिट है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। एसेट्स बेस दिया गया, स्टॉक का सेल वैल्यू दे रहा है, आपका गुडविल एक अनरिकॉर्डेड एसेट का है, डेटर 60%, इसका 60% ले आएंगे, मशीनरी 1,05,000, लाइबिलिटी को बोला है पेड इन फुल, दैट इज क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पेमेंट कर देंगे। एज लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, इसको डायरेक्टली पे कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा ए बिल्स फॉर 90,000 अंडर डिस्काउंट डीज ऑनर टेकन, ये भी एक लाइबिलिटी है, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस 400। ओके, बनाना है रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो ये हुआ रिक्वायरमेंट, रियलाइजेशन कैपिटल एंड बैंक। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन के टू में एसेट्स को ट्रांसफर कर लेंगे बुक वैल्यू पे टू स्टॉक 57,400, टू डेटर, डेटर का ग्रॉस रखेंगे 57, अब प्रोविजन बाई में ले लेंगे, बाई प्रोविजन 3,000। ओके, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000, टू प्रीपेड इंश्योरेंस 1,100। एसेट्स टू में ले लिए, लाइबिलिटी बाई में ले लेते हैं, बाई क्रेडिटर्स 40,200, बाई बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है 16,800। इसके अलावा कैपिटल में आते हैं, कैपिटल का बैलेंस लेते हैं, बाई बैलेंस बीडी पार्टनर्स कैपिटल है 80,000, 12,000, 40,000, बाई जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जनरल रिजर्व आपका 9,000, रेशियो में देते हैं 4,500, 3,000, 1,500। ओके, बैंक का बैलेंस बैंक में लेते हैं, टू बैलेंस बी डी बैंक है 12,500, पार्टनर्स का लोन है, बैंक से डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, बाई एस लोन अकाउंट 57,000। ओके, तो आप पहले देख लो, स्टॉक डेटर प्लांट प्रीपेड एसेट्स है रियलाइजेशन का टू में, स्टॉक बाय प्रोविजन बाई में, क्रेडिटर बिल्स पेबल लाइबिलिटी है बाई में, ये हो गया कैपिटल का बैलेंस, रिजर्व बांट दिए, बैंक का बैलेंस बैंक में, ये देखिए एज लोन था डायरेक्ट पेड कर दिए। ओके, अब यहाँ एसेट्स को बेचेंगे, यहाँ देखिए स्टॉक बेचा गया, गुडविल, डेटर्स, डेटर्स 60%, 34,200 होगा। ओके, मशीनरी बिक्री हुआ, क्लियर है। लाइबिलिटी को पे करने को बोला है, दो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर बिल्स पेबल पे करेंगे, ये देखिए एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इसका भी पेमेंट करेंगे, और ये एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में चले आते हैं, रियलाइजेशन का टू में एसेट्स था, अब एसेट्स बेचेंगे, बाई
बैंक अकाउंट, स्टॉक 47,000, गुडविल 12,000, डेटर 34,200, मशीनरी 105,000, एसेट्स बेच दिए, टोटल कर लेते 1,05,000, 34,200, 12,000, 47,000, 198,200, उसको ले आते हैं बैंक में, टू रियलाइजेशन 198,200, लायबिलिटी को पे करेंगे, लायबिलिटी में पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर 40,200 पे करेंगे, बिल्स पेएबल 16,800 पे करेंगे, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बोला था 90,000, और इसी के साथ एक्सपेंस भी पे कर देंगे 400, ठीक है। लायबिलिटी का पेमेंट हुआ 147,400, ये चला आएगा बैंक में बाई रियलाइजेशन, बैंक में बाय रियलाइजेशन 147,400। अब एक बार आप देख लो, सारा एसेट्स टू में लाए थे, बेचे बाई में गया, लायबिलिटी बाई में लाए थे, पेमेंट दिए टू में गया। अब हमको रियलाइजेशन में लॉस आने का पॉसिबिलिटी है, डेबिट वाला प्लस करेंगे, डेबिट का टोटल हुआ 392,900, इधर ले आए 392,900, लॉस आया 134,700, बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रेशियो 3:1 है, 89,800 59,886, एक बार प्लस माइनस चेक कर लेते हैं, इसका अमाउंट होगा 67,350, 44,922,450, ठीक है। तो रियलाइजेशन का लॉस आ गया, ये लॉस कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू रियलाइजेशन, 67,350, 44,922,450, कैपिटल को क्लोज करेंगे टू बैंक और बाई बैंक होगा, इसका देखिए 41,500, इसका आंसर 19,050, इसका देखिए 84,500, 17,150, ओके, ये आ गया टू बैंक फाइनल पेमेंट। मिडिल पार्टनर के लिए बाई बैंक फाइनल रिसिप्ट, ये आया 44,900, बाई बैंक 29,900, ओके, बाई बैंक वाला टू में आ जाएगा, टू बीस कैपिटल 29,900, बाई पार्टनर कैपिटल ए और सी को पेमेंट हुआ था 17,150, 19,050, दैट इज 36,200, 36,200 प्लस 147,400 प्लस 57,240,600,
इधर भी आना चाहिए 240,600, 12,500, 198,200, 29,900, यस इधर का भी टोटल आ गया। ओके तो इसका मतलब मिल गया, सही बना है। सबसे पहले एसेट्स टू में ले लेते हैं, लायबिलिटी बाई में, एसेट्स बेचेंगे बाई, लायबिलिटी का पैसा देंगे टू, इधर आया आंसर लॉस। कैपिटल का बैलेंस लिख लिए, रिजर्व बांट दिए, लॉस लिया टू बैंक बाई बैंक। ओके बैंक अकाउंट में पोस्टिंग बैंक मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके थैंक यू, बाय।